ऐसे माहौल में गरीबों की झोपड़ी से निकली हुई एक जमात निकली, ताना और तिशना बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसले वाला एक कम करो भैया, जितना है उतने ही रहने दो ना। एक जत्था निकला और इस जत्थे ने आज के इस आवारगी के माहौल में पत्थर के सीने पर धान रोपने का अहद और इरादा किया। बहुत ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ, जितनी थी उतनी ही रहने दो। इस वक्त आपका बलियावी महराजगंज में खुद को अपने उलमाए जवील एहतराम के बीच पाकर न सिर्फ ये के मशहूर है बैल, बल्कि मैं इनको सैल्यूट करता हूं। कि सही मानों में उलमाए अहले सुन्नत जिला महराजगंज ने तंजीमुल मकातिबो मसाजिद के नाम से मिल्लत के नौनिहालों के इलाज का एक बेहतर हॉस्पिटल की तरफ पहल किया है। किडनी से लेकर हार्ट तक बदले जाते हैं, हड्डियों से लेकर बोन तक चेंज किया जाता है, गड्ढे और तालाब मिट्टी भर के बदल दिए जाते हैं, पत्थरों पर छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ जाए अगर वो बर्दाश्त कर ले तो उसकी सूरत बदली जा सकती है, लेकिन दुनिया में पहला और आखिरी सच यही है कि जमीन का नक्शा तो बदला जा सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ इस्लाम नहीं बदला जा सकता। इसलिए आज मैं सबसे पहले इस कारवां के मीरों को सलाम करूं, फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमजान साहब अमजदी, और जिनसे बड़े अच्छे अंदाज में तंजीमुल मकातिबो मसाजिद के अब तक के कारनामे और आगे के मंसूबे समाप्त किए, फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम अख्तर अजीजी साहब, मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा नूर आलम साहब, वकारे गिरामी हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब, फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा जमालुद्दीन जियाई साहब, हजरत मौलाना तनवीर इरफान तनवीरी साहब, मुहिब्बे मुकर्रम हजरत मौलाना तौफीक अहमद सिराजी साहब, मुहिब्बे गिरामी हजरत कारी मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब निजामी, मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज कलामुद्दीन साहब नूरी, और बिलखसूस मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन कादरी साहब, मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना तनवीर जमशेद तनवीरी साहब, फाजिले गिरामी हजरत मौलाना बिलाल अहमद बिलाली साहब, और फाजिले गिरामी हजरत मौलाना एजाज अहमद अमजदी साहब। जो फर्द जहां है वहीं सुतून है, इसलिए आज बलियावी की कोई
घन गरज की गुफ्तगु नहीं बल्कि चंद जो मेरे ज़हनो फिक्र में एक मुखलिसाना कुछ मशवरे हैं मैं आपके बीच रख दूं। शायद इस इमारत में मेरे घर की गिट्टी भी कहीं काम आ जाए, लेकिन अगर आप सुनने के मूड में हैं तो एक मर्तबा हमें यकीन दिला दीजिए कि वो दौर बदल गए जब हम एक लाश की तरह रहते थे, जख्म इतने लगे हैं कि अब हम जिंदा पहाड़ हो चुके हैं। एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाए, और जिसका हाथ न उठे समझ लो कि इनके ईमान की बैटरी कुछ डिस्चार्ज हो चुकी है। दोनों हाथ उठाओ मुट्ठी बांध के और पूरी ताकत के साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना रंगदार मजमा है, आवाज थोड़ी बुलंद कर लो, दो दो हाथ आज हो ही जाएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। माइक वाले थोड़ी मेहरबानी कर दो, इको हटा दो ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं वो साफ साफ समझ में आवे। मुझे मालूम है कि स्टेजों पर चीख कर मरने से कोई शहादत का दर्जा नहीं मिलना जी, लेकिन अगर कुछ जुमले दिल में उतर जाएं और आप भी कारवां की एक कड़ी बन जाओ तो शायद ये सारी मेहनतें वसूल हो जाएं। उलमाए जमील एहतराम का एक बड़ा ही मोतबर काफिला मौजूद है। तवज्जो चाहो हजरत, जो जो बीत रहा वही मैं बता दूं, जो बीत रहा वही मैं बता दूं। मेरी कौम का सरमायादार सोचता है कि मौलाना सलाम करे तो मार्केट में मेरा रोब दिखेगा, हजरत भाई जल्दी कर लीजिए। इलाके का नेता सोचता है मुस्लिम लीडर के मौलाना हमारे दरवाजे पर आते जाते रहें तो मार्केट में मेरा वैल्यू कायम रहे। गांव का धन्ना सेठ सोचता है कि गांव में जो कुछ मैं करूं मौलाना मेरी बोली बोले और हुकूमत में बैठे कुछ पागल लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे या कुछ भी कर लें सब बोले लेकिन मौलाना ना बोले। तवज्जो चाहूं, अगर मेरी गुफ्तगू सही समत में हो तो स्टेज से दुआओं के साथ ताईद होनी चाहिए।